25 जून 1975 को 21 महीने के लिए देश में इमरजेंसी लागू की गई थी और करीब 21 मार्च 1977 तक ये चली थी। ये साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी जी का दौर था। साबिका प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत मरकज में इंदिरा गांधी की क्यादत वाली कांग्रेस सरकार की सिफारिश पर इमरजेंसी का ऐलान किया था। अब इस दौरान जहां आवाम और विरोधियों पर जुल्म व ज्यादती की गई तो वहीं मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगाया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आपातकाल और मौजूदा सरकार का कार्यकाल एक जैसा है? क्या सही में मोदी सरकार इंदिरा गांधी की तरह तानाशाही कर रही है? आज करेंगे इसी पर माहिर के इस पैनल के साथ बड़ी बहस। आज से ठीक 50 साल पहले ये वही तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल लागू हुआ था। लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जबरन जेल में डाल दिया गया था, मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला ये फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। सत्ता पर अपनी पकड़ कायम रखने के लिए उन्होंने ये तानाशाही कदम उठाया था। हालांकि इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आपातकाल को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। इसे लेकर पीएम मोदी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत कर कहा कि देश की नई पीढ़ी इस दिन को कभी नहीं भूलेगी। वहीं इसके 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने मंगलवार को भी जोरदार वार किया और सोशल साइट पर ट्वीट के जरिए हमला बोला, साथ ही एक कविता भी पोस्ट की। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी को लेकर ट्वीट कर हमला बोला। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इमरजेंसी लगाने के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का चेहरा बदला है, चरित्र आज भी वही है। भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था। आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो लेकिन उसका चेहरा बदला हो लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज संविधान की कॉपी के साथ शपथ लेते नजर आए। इससे पहले भी सोमवार को कांग्रेस के सांसदों ने सत्र के पहले दिन ही हाथों में संविधान की कॉपी लेकर संसद में एंट्री की थी और मोदी सरकार पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। एक तरफ आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं जिसे लेकर बीजेपी ने चौतरफा वार किया है तो वहीं चुनाव और चुनाव के बाद भी विपक्ष सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसकी नीयत में खोट है, किसका चेहरा और चरित्र सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता यासीर जिलानी जी, राजनीतिक विश्लेषक फिरोज भक्त और टीके राजलक्ष्मी जी, एसोसिएट एडिटर फ्रंटलाइन की हमारे साथ आज चर्चा में शमूलियत करेंगे। बहुत बहुत आप सबको इस्तकबाल है। फिरोज भक्त जी, जब पीएम मोदी 18th लोकसभा के पहले सेशन में बात कर रहे थे तो बड़े टेंशन से कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी से उनकी तरफ इशारे किए जा रहे थे,
एक बार वाजिया कर दीजिए कि भारत के संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन तब हुआ था 1975 इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की हुकूमत में या अब हो रहा है मोदी जी के शासन में? देखिए ऐसा है कि जहां तक इनफेमस इमरजेंसी का ताल्लुक है, ये मिसेज इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी जी की तूती बोलती थी और ये कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उनको किसी ने गलत मशवरा दे दिया कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, और उससे भी ज्यादा गलत मशवरा ये दे दिया कि इमरजेंसी के बाद आप इलेक्शन करा दीजिए। दोनों ही जगह वो विफल हुई। और अगर ये राहुल गांधी जी ये कहते फिर रहे हैं सब में कि आजकल जो है इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता वो कहते हैं कि जी 5-10 साल से जो है ऐसी अघोषित यहाँ पर इमरजेंसी लगा रखी, मैं बात पूरी कर लूँ, सिर्फ 2-3 सेकंड लूंगा, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस सरकार की जो 240 सीटें आई हैं शायद 40 सीटें भी नहीं आती, जैसा उस वक्त मिसेस गांधी के साथ हुआ था। तो देखिए ऐसा है, सही मानों में जो इमरजेंसी उस वक्त लगी थी 9-10 हजार लोगों को रातों रात उठा करके जेल में डाल दिया था, और ये भी नहीं देखा कि किसका क्या कसूर है क्या नहीं है। जिसने अखबार में कुछ लिख दिया, जरा सा जिसने मिसेस गांधी के खिलाफ कुछ कह दिया, तो ये जिस तरीके से लगाई गई थी इमरजेंसी इसका खमियाजा उन्होंने भुगता। ठीक है, मेरे ख्याल से उसके बाद कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, और इमरजेंसी गलत चीज है, कोई मतलब नहीं होता। और एक छोटा सा मैं किस्सा और बता दूं, इमरजेंसी के दौरान मुझे याद है मैं 10वीं क्लास में था, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम पुरानी दिल्ली में एक कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, कौमी स्कूल को ध्वस्त करके और उन्होंने वहां बनाने थे क्या है कुछ फ्लैट बनाने थे, और वहां पर उसका भी जो चर्चा चल रहा था यानी नसबंदी का, डेमोलिशन ड्राइव भी हुआ, ये आप बता और रहे। वो स्कूल आज तक नहीं बनाया उस स्कूल, मतलब 50 साल हो गए। 30 जून 1976 को उस स्कूल को उठाया गया, आज तक वो बच्चे जो हैं एक टेंटों में ईदगाह के पढ़ रहे हैं। तो इमरजेंसी में बहुत कुछ, इनफेमस इमरजेंसी, काली इमरजेंसी में बहुत कुछ जो है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा। जी जी, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आप सुन रही हैं ये सब। मैं पहले आपको सवाल लेने से पहले बता दूं डॉक्टर पूजा कि यहाँ बात मेरे भारत के आईन की है, कोई खिलौना नहीं है जो इसको हाथ में लेके इशारा करने लगे सियासत की आड़ में। आइंदा अदब से पेश आना इसके साथ। अब सवाल पे लौटते हैं, 21 महीने तक सिविल राइट सस्पेंड करना, मीडिया पे पाबंदियाँ, कानून इंतजामिया पे पाबंदियाँ, सिंधिया, एलके आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मुख्तलिफ ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारियां, 1 लाख से ज्यादा आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियां, उसके बाद भी पीएम मोदी को संविधान की दुहाई दी जा रही है। याना जी, आपकी और मेरे भारत की आईन तब कम नहीं हुई जब मणिपुर 1 साल से जल रहा है? क्या उसके साथ अदब के साथ पेश नहीं आना चाहिए? क्या जब पहलवान बेटियां, जब किसी रेपिस्ट को गले पे माला पहनाया जा रहा है, लड्डू खिलाया जा रहा है, तब उसके साथ अदब के साथ नहीं आना चाहिए? जब हमारी पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीटा जा रहा था, तब अदब के साथ नहीं आना चाहिए था? जब 140 सांसदों को संसद से निष्कासित करके सारे बड़े बिल्स, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता, उसको वॉइस वोट से पास किया जा रहा था, तब भारत का आईन नहीं गिर रहा था कि उसे अदब के साथ आना चाहिए? जब सारे विधेयक, सिर्फ 16% विधेयक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज में पहुंचते हैं और 35% विधेयक 1 घंटे के अंदर वॉइस वोट से ब्रूट मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, तब भारत का आईन नहीं गिर रहा? मुझे बताइए, भारत का आईन तब गिरेगा जब इंदिरा जी की तो ये वो थी कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, इस देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। आज की ये खबर है कि 18 लाख जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 18 लाख उद्योग बंद हुए और 56 लाख लोग बेरोजगार हुए, तब भारत का आईन नहीं गिरा था कि उसे अदब के साथ पेश आना चाहिए था? जब रातों रात लॉकडाउन किया गया था और लोग सड़कों पर चल रहे थे, मजदूर और गरीब, और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था, तब भारत का आईन नहीं गिरा हुआ? मुझे लगता है कि जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए माफी मांग ली थी, पर प्रधानमंत्री मोदी जी आज जब हर युवा सड़क पर है, आज देश में अकूत बेरोजगारी है, तब भारत का अदब नहीं गिर रहा है? आज देश में महंगाई से लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है, तब देश का आईन नहीं गिर रहा है? मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है पिछले 10 साल से, उसकी हम बात कर रहे हैं, आप कब तक पीछे का झुंझुना बताते रहेंगे? आपके शासनकाल के 10 दिनों के अंदर
एक बड़ा ट्रेन पीछे का झुंझुना तो आप भी बजाते हैं। वैसे पीछे का झुंझुना बजाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत पीछे था जब कांग्रेस का राज था। अब 10 सालों से तो कांग्रेस पावर में आ ही नहीं सकी, तो इसीलिए पीछे का झुंझुना बजाना जरूरी है। और जब पीछे की बात करते हैं, जब भी कोई भी सवाल कांग्रेस से पूछा जाता है तो मणिपुर की बात ले आते हैं। आप मुझे जरा इतना बताइए कि 2008 में मणिपुर में किसकी सरकार थी, 1993 में मणिपुर में किसकी सरकार थी, जाके देखिए कि मणिपुर उस समय कितना जल रहा था। एनीवे, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आपकी इजाजत से मैं अगले गेस्ट की तरफ जाना चाहूंगी। फिरोज बग जी, जो इन्होंने इल्जाम लगाया कि इतने पुराने टाइम पे क्यों जा रहे हैं, आज की बात कीजिए कि आज भी जो है युवा जो है वो नाखुश हैं, बेरोजगारी महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, सबको खुश नहीं रखा जा सकता। फिरोज बग जी, आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ। यासिर जिलानी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ये बेहतर दे सकते हैं। यासिर जिलानी जी, पूरे चुनाव में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही रहा कि मोदी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, जो कि इलेक्शन रिजल्ट में साफ है। यहां मैं गेस्ट और नाजरीन को कुछ डेटा दिखा दूं, आप स्क्रीन पे देख लीजिए प्लीज। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आंकड़ों में कितना फर्क है कांग्रेस शासन के इमरजेंसी के एक साल और बीजेपी एनडीए के 10 सालों के सफर में कितना फर्क है। इमरजेंसी में जबकि 7,000 जर्नलिस्ट हिरासत में लिए गए थे तो 2014 से आज तक सिर्फ 17। इमरजेंसी के दौरान डेमोलिशन ड्राइव में 7 लाख घर उजड़ गए जबकि 2014 से आज तक 36,000। विपक्षी लीडर्स इमरजेंसी में 2,100 गिरफ्तार जबकि 2014 के बाद ईडी की रेड लगने या मुख्तलिफ ऐसे केसेस में मुश्किल से 115। तो सवाल अब ये है, सवाल पे लौटते हैं यासिर जिलानी जी, क्या इस बात का फायदा उठाया जा रहा है कि इमरजेंसी को तो 50 साल बीत गए तो कब, अब किसको याद रहेगा? याना मीर जी, देखिए जो पिछले चुनाव में भी और जो संसद में ये जो संविधान की किताब लेके अपने काले कारनामों को उसके किताब के आड़ में छिपाना चाहते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल में दे देते। 1984 याद करिए, जब आईन की आप बात करते हैं उस वक्त आईन तार तार हुआ जब ये कहा गया कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, उसके बाद सिख भाइयों का नरसंहार, ये हिंदुस्तान ने देखा है। जब 1986 मिस्टर क्वीन, जिनको कहा जाता था, जिन्हें कंप्यूटर का दाता कहा जाता था, उन्होंने सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से, कुछ दबाव की वजह से शाहबानों के केस को पलट के रख दिया, एक बूढ़ी औरत के 60 रुपए के महीना को बदल के उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति को ऊपर रखा और तब आईन भारत का तार तार हुआ है। ये कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। मैं उस काले अध्याय पे नहीं आना चाहता हूं क्योंकि सुबह से यही चर्चा चल रही है, जिस वक्त सारे सिविल राइट्स को बंद कर दिए गए थे, इवन घर में जो लोग थे, घर के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, कि किसी को नहीं मालूम था कि कौन सरकार का मुखबिर होगा और सरकार कैसे उनको गिरफ्तार कर लेगी। 19 महीने की जेल के बाद जब भारत ने चुनाव देखा लोगों का, वो एक ऐसी संसद थी जिसमें ज्यादातर जो संसद के सदस्य बने थे वो जेल काट के आए थे और वो संसद के सदस्य बने थे। इस सोच को क्या आपको शर्मनाक नहीं लगती कांग्रेस के लोगों को? कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे भारत में आज तक का इतिहास रहा, ये तो मैंने सिर्फ जो बड़े उदाहरण है वो दिए, मैं नसबंदी पे नहीं जाना चाहता, मैं उन घटनाओं पे नहीं जाना चाहता हूं जिन घटनाओं को कांग्रेस ने किया है, चाहे वो मलियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, भागलपुर हो, पटना हो, तमाम भारत के, और साथ के साथ कश्मीर का वो मंजर भूला नहीं जा सकता जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहां से किस तरीके से निकाला गया। एक रिस्पॉन्स राजलक्ष्मी जी से लेना चाहूंगी, काफी वक्त से कुछ कहना चाह रही है। राजलक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, कितना फर्क दिखता है आपको बाहैसियत एक ईमानदार सहावी होने के, बताइए कि क्या इमरजेंसी और आज के हालात में कोई फर्क नहीं दिख रहा आपको? देखिए याना मीर जी, इमरजेंसी था वो गलत था, ठीक है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें जो जो फंडामेंटल राइट थे, जो मूल अधिकार थे, उनका दखन हुआ था, उनका उल्लंघन हुआ था और बहुत तादाद लोग जेल गए थे, 1 लाख से अधिक, हाँ पत्रकार भी जेल गए थे, लेकिन लेकिन वो सिर्फ 2 साल का था, ठीक है।
जो आज हो रहा है वो करीब 10 साल से झेल रहे हैं लोग, तो वो एक इसीलिए कहते हैं कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इमरजेंसी न के होते हुए जिस प्रकार से लोगों के मूलभूत अधिकारों पर हमला हो रहा है, इसीलिए उसको इमरजेंसी का खिताब दिया जा रहा है। अब ये अगर बीजेपी कहे कि भाई हमने तो इतने ही पत्रकारों को जेल किया, हमने इतने ही लोगों को के मूल अधिकारों पर अटैक किया, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा किया, तो क्या वो सही हो जाता है? वो सही नहीं, वो हम सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो है इमरजेंसी के बाद तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आगाह थी। हम इलेक्शन कमीशन को इस वक्त आगाह कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है जिससे बिल्कुल पारदर्शिता थी ही नहीं, उसको लेके इतना ज्यादा चर्चा हुआ। फिर दाय के मुद्दे को लेकर दाय की राजनीति की गई, बुलडोजर किया गया लोगों के घर में, ये कौन सा लोकतंत्र? इसीलिए कहते हैं कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का स्थिति जो हमारे देश में है, जिसको हम ठीक है, हम जो कांग्रेस किया वो तरह से गलत था, जो इंदिरा गांधी ने किया वो एकदम गलत। जी आप जाहिर बात है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, वो इस चीज को लेकर अपोलोजिटिक है, लेकिन आपके इन सवालों पर बीजेपी क्या रिस्पांस देना चाहेगी वो हम यासिर जी से पता करते हैं, और डॉक्टर पूजा भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन पहले हम यासिर जिलानी जी के पास चलते हैं। यासिर जिलानी जी, आपने सुना कि राजलक्ष्मी जी ने ये कहा कि आंकड़े चाहे कम हो मगर होने ही नहीं चाहिए, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए मैं सीनियर सहाफी मोहतरमा से एक सवाल करना चाहता हूँ। 90 बार इसी भारत में भारतीय राजनीति में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया, अपने दम्भ पे, अपनी ताकत पे, अपने सत्ता के नशे में किसने गिराया? उस वक्त कानून को और लोकतंत्र को और संविधान कहाँ लेके चले गए थे कांग्रेस के लोग? उस पर कोई जवाब है? उस पर कोई चर्चा होगी भारत के अंदर? 1-2 बार नहीं, 90 बार हुआ है इस तरह। और इंदिरा गांधी की जो सत्ता थी, अगर आपने उसको बहुत हम लोगों ने तो पढ़ा है, देखा नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है, जो उनके उनका स्टाइल था, जिस तरीके से लोगों को उन्होंने दबाया और अपनी ताकत के बल पे उन्होंने राज किया है, क्या वो किसी से छुपा हुआ है? और जिस तरीके से कांग्रेस के रिजिम में तमाम राज्यों के अंदर दंगे हुए हैं, वो उससे कोई चर्चा कभी भारत के अंदर हुई है? आज भी आप बड़बोलापन कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के। आज पार्लियामेंट में जो बड़े नेता है राहुल गांधी, उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान को लेकर झूठ बोला कि खड़गे जी ने एक बार बात उन्होंने करा और उनका कोई जवाब नहीं आया, जबकि उधर से जो जवाब आया है 3 बार उनसे बात। ये झूठ की राजनीति डॉक्टर पूजा, ये झूठ की राजनीति। चलिए आपने ये तो कह दिया और ये हम सबने देख लिया कि कांग्रेस ने माफी मांगी इमरजेंसी के लिए, लेकिन जो 98 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं उसके लिए माफी तो नहीं मांग सकती, क्योंकि वो तो कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सियासत करना, मतलब ये कितना आपको लग रहा है, ये कितना एथिकल है? याना जी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सियासत हमने शुरू की थी? इन्हीं के प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, इन्हीं के उप मुख्यमंत्री थे दयास चौधरी, इन्हीं के प्रत्याशी थे, यही लोग कह रहे थे कि हमें 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, और आरएसएस का आरक्षण विरोधी चेहरा किसी से छुपा नहीं है, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे आरएसएस के सर संचालक हो, चाहे उनके कम्युनिकेशन चीफ हो, हर किसी ने आरक्षण के रिव्यू की बात की है। तो संविधान बदलने की सियासत हमने नहीं, इन लोगों ने की है। ये बात झूठ बोलने की कहते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किया था, आज 10 साल बाद देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का। आपके इलेक्टोरल बॉन्ड और रोजगार की दलीलें हमने कई बार सुनी फिरोज बख्त जी, इसमें अब आरक्षण को भी इन्होंने घसीटा है, क्या आरक्षण को किसी भी तरह क्रश करना, क्या ये संविधान के खिलाफ जाना हुआ, या एक तरह से मेरिट बेस्ड इकोनॉमी या मेरिट बेस्ड एक माहौल ले आना, क्या ये देश के लिए अच्छा रहेगा या ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफत होगी, मुखालफत होगी? देखिए याना मीर साहिबा, ऐसा है, जहां तक आरक्षण की बात है उसमें हम ये कहना चाहेंगे, जो आरक्षण जिसकी डिमांड कांग्रेस करती चली आ रही है, द सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज करती हैं, वो दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, और इस तरह का जो आरक्षण है वो गैर कानूनी है, ठीक है, वो नहीं दिया जा सकता। और आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था मेरिट, ठीक है, मेरिट की बेसिस पे ही जो है जो भी कुछ किया जाना चाहिए, इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन।
क्योंकि रिजर्वेशन का क्या है, भीख का प्याला तो मुसलमानों को मिलता नहीं, ना गरीबों को मिलता है, और होता क्या है अगर कोई रिजर्वेशन आप बोल सकती है जी जी फिरोजपुर जी, मैं पूरा कर लूं, मैं एक बात पूरी कर लूं, मोहतरमा बात पूरी कर लूं थोड़ा सा प्लीज। देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप मेरी बेटी की तरह हैं, बिल्कुल मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें, एक सेकंड मोहतरमा मेरी बात पूरी होने दें, सुनिए आप बोलते रहिए क्योंकि हमारे पास वक्त कम है जी। कांग्रेस के अंदर एक मिनट याना प्लीज लेट मी कंप्लीट, इनको रिक्वेस्ट कीजिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। देखिए कांग्रेस के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वहां पे क्या है जिस तरीके का मैंने एक दफा ये देखा, शीला दीक्षित जब दूसरा इलेक्शन लड़ रही थी तो वहां मैं आउटर जो दिल्ली है उसमें मुझसे एक इन्होंने कहा, एक एम्बेसडर थे यूके के, मैं देखना चाहता हूँ इलेक्शन की रैली कैसी होती है, उनको मैं ले गया। वहां हमने देखा कि उस टाइम यानी दूसरा इलेक्शन लड़ रही थी, राहुल गांधी साहब बहुत छोटी उम्र के थे उस वक्त, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बाहर से आ रहे थे जो नेता, जगदीश टाइटलर आए, राहुल गांधी के पहुंच हुए उन्होंने, जयप्रकाश अग्रवाल आए, उन्होंने पहुंच हुए, तो जो ये नहीं पहुंच होने का क्या रिवाज है डॉक्टर पूजा, जल्दी से बता दीजिए फिर हमें क्लोज करना है डिबेट। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कांग्रेस में है, जब तक कोई गुलामी नहीं करेगा इस फैमिली की, गांधी ये गुलामी की क्या तहजीब है कांग्रेस के अंदर डॉक्टर पूजा, ये भी तो एक इमरजेंसी है। पहली बात तो आप अपने फैक्ट्स को दुरुस्त करिए, कभी भी कांग्रेस ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की बात नहीं की, और जो आप ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं मुंगेरी लाल की कि किसी ने जाके पहुंच हुए किसी ने, नहीं नहीं ये तो हम सबने देखा है, फोटोज इसके लिए है आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कोई भी कुछ भी बकवास करेगा आप उसे बीच में नहीं टोकेंगे और मुझे टोकेंगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मुझे ये लफ्ज बकवास वापस लीजिए, आप देखिए एक मैं हर बार यही चीज कहती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और जिस तरह से खुलेआम झूठ बोला जाता है। डॉक्टर पूजा आपसे उम्मीद नहीं थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकारें कोई भी हो अगर वो जनता के हितों का ख्याल नहीं रखती है तो यकीनन उसका खात्मा होगा, ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन मैं याना मीर आपकी आवाज बनके इन सियासतदानों से कहूंगी कि महज सियासी फायदे के खातिर देश में इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएं, विरोधियों का दमन किया जाए, मीडिया को चोट पहुंचाई जाए, ऐसा नहीं चलेगा।